हैं एक और नए स्वर को मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं और सुनवाना चाहता हूं। डॉली यादवेंद्र यहां पर हैं जो 12 से आई हैं, हमारी भतीजी हैं और शायद पहली बार कविता सुनाएंगी और पता नहीं आपकी तालियां उसे कितना आगे ले जाएं, कितना बहुत आगे तक पहुंचाएं। और वेदव्रत वाजपेयी जी यहां बैठे हैं, मैं उनकी उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूं। 19-20 साल पहले जब मैं कवि सम्मेलन में आया था तो मैं एक ऐसा वातावरण सोचता था, ऐसा मन सोचता था कि कभी कवि सम्मेलन इतने पवित्र, इतने पावन, इतने साहित्यिक, इतने अच्छे हो पाएंगे कि हमारे घरों की लड़कियां भी आकर कविताएं सुना पाएं और उनको लगे कि मैं अपने घर में पढ़ रही हूं। आज ये सुखद क्षण है जब मेरे घर की एक लड़की, हमारे बड़े भाई सुरेंद्र यादवेंद्र जी की बिटिया कविता पढ़ रही है। एक बार इस परिवर्तन के नाम पर जोरदार तालियों के साथ आप उसका स्वागत करें। हाँ बेटा पढ़ो। सम्माननीय मंच, सम्माननीय श्रोतागण, मैं हिना यादवेंद्र दूसरी बार काव्य पाठ कर रही हूँ। प्रथम बार मैंने अपनी जन्मभूमि 12 में काव्य पाठ किया था, द्वितीय बार मैं आप सभी के समक्ष काव्य पाठ कर रही हूँ। इसमें यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आप सभी के समक्ष करुण रस का एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संक्षिप्त में भूमिका इस प्रकार है कि भारतीय सेना का एक सैनिक अपने विवाह के बाद घर पे आता है। सीमा से ये संदेश आता है कि सीमा पर युद्ध प्रारंभ हो गया है और उसे अपनी पत्नी से बातचीत किए बिना ही वापस युद्ध भूमि पर जाना पड़ता है। उसकी पत्नी अपनी सखी से अपनी व्यथा का वर्णन किस प्रकार कर रही है, मैंने अपने गीत में ये रेखांकित करने का प्रयास किया है। आपका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है बेटा, स्वागत है, पढ़िए, बहुत अच्छा। सखीरी कल ही तो हुए री पीले हाथ, हुए री पीले हाथ, द्वारे आई बारात, सजन गए सीमा पे। सखीरी कल ही तो हुए री पीले हाथ, हुए री पीले हाथ, द्वारे आई बारात, सजन गए सीमा पे। मिला संदेशा छोड़ चले गए बालम छेल छबीले, मेहंदी मावर हाथ पांव के है गीले के गीले, दिल के दिल में ही रह गई जज्बात, हुई ना कोई बात, सजन गए सीमा पे। सब सपने आंसू संग बह गए 16 साल कुंवारे, शहनाई की जगह युद्ध के बजने लगे नगाड़े। छूटा छूटा री सजन का छूटा साथ, मैं रोई सारी रात, सजन गए सीमा पे। पिया मिलन की आस अधूरी रह गई मन के मन में, उमड़ घुमड़ कर बदरा छाए बरसे ना सावन में। कर दी री मौसम ने कर दी घात, ऐसे बदले हालात, सजन गए सीमा पे। अगली पंक्तियों में आपको भारत की सभ्यता संस्कृति के दर्शन कराती हूँ। यदि अच्छा लगे तो तालियों से मेरा उत्साह वर्धन। स्वागत है बेटा, स्वागत है। लगा भाल पर तिलक पिया के, कहा पिया जी जाओ, स्वर्ग से बढ़कर धरती माँ की पाई जात, माटी मल करके मात, सजन गए सीमा पे। बहुत अच्छे बेटा, वाह वाह वाह। आपने हाड़ी रानी की वीर गाथा जरूर सुनी होगी, उस दृश्य को अगली पंक्तियों में रेखांकित करने का प्रयास किया है मैंने। बार बार मुड़ मुड़ कर दो दो भीगे नयन निहारे, दिल की धड़कन बोली जल्दी आना प्रियतम प्यारे। करने जी दुश्मन से दो दो हाथ, खट्टे करने को दांत,
सजन गए सीमा पे। आप सभी ने टेलीपैथी के बारे में जरूर सुना होगा। सीमा पर सैनिक शहीद हो जाता है और उसी क्षण उसकी पत्नी को इसका आभास किस प्रकार होता है, मैंने अपने अंतिम बंद में ये रेखांकित करने का प्रयास किया है। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मंगल सूत्र और हार गले का, दिल संग धक धक धड़के, बिती बिछिया नथनी पायल गुमसुम और बाजू बंद फड़के, कर गए री कंगना भी सुने हाथ, बिंदिया ने छोड़ा माथ, सजन गए। एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये केवल राजस्थान है जो इस भाषा में संवाद कर सकता है। ये केवल राजस्थान है जहां महारानी कृष्णा कुमारी महाराणा राज सिंह को लिख देती है कि आपके चित्र से विवाह कर लिया है और औरंगजेब मेरा डोला लेने के लिए आ रहा है। अब देखना यह क्षत्रिय अपनी पत्नी को बचाता है या जाने देता है। केवल वचन की आन पर मट जाना राजस्थान को आता है। कभी मैंने एक टिप्पणी की थी तो उसके कुछ छंद मित्र लोगों ने बना लिए। मैं पहली बार विदेश गया तो वहां एक मारवाड़ी मित्र के घर पर रुका। उनके यहाँ हिंदी ट्यूटर आता था मंदिर से। अमेरिका में मंदिरों में रहने वाले पंडित लोग उन बच्चों को हिंदी सिखाते हैं जो अंग्रेज हो गए हैं वहां जाकर, तो वो पर्यायवाची सिखा रहा था। लेकिन बच्चे ने अपनी दादी से जो कथाएं सुनी थी राजस्थान के पोते ने, वो उसके खून में थी। तो उसने वीरता के तीन पर्यायवाची लिखने के लिए कहा। लिखा, तीन शब्द लिखो जो वीरता जैसे हिंदी में हो। तो सातवीं क्लास के बच्चे ने लिखा शूरता, पराक्रम, और जब तीसरा शब्द उसे याद नहीं आया तो उसने दोनों को काट करके वह एक शब्द लिखा, राजस्थान। यह है राजस्थानी तेवर जो अपने आप में उसे विशिष्ट बनाता है, अलग बनाता है। हमारे परिवार की बेटी को आपने जिस मन के साथ स्वीकार किया, उसके लिए मैं पूरे कवि मंच की ओर से आपका आभारी हूं।